नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo V23e 5G वर्सेस Oppo Reno 8 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो V23e 5G में 6.33 इंच जबकि Reno 8 Pro 5G में 6.35 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.92 इंच की विड्थ मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो V23e 5G में 172 ग्राम्स जबकि Reno 8 Pro 5G में 183 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि V23e 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो V23e 5G में 20:9 जबकि Reno 8 Pro 5G में 20:1:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो V23e 5G में 6.44 इंचेस जबकि Reno 8 Pro 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन V23e 5G में 1080x2400 और Reno 8 Pro 5G में 1080x2412 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो V23e 5G में 83.92% जबकि Reno 8 Pro 5G में 90.61% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो V23e 5G में 409 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Reno 8 Pro 5G में 394 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो V23e 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Reno 8 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो V23e 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Reno 8 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो V23e 5G में Mali G57 MC2 जबकि Reno 8 Pro 5G में Mali G610 MC6 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो V23e 5G में MediaTek Dimensity 810MT 6833 और Reno 8 Pro 5G में MediaTek Dimensity 8100 Max मिलता है। बात करें RAM की तो V23e 5G में 8GB जबकि Reno 8 Pro 5G में 12GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो V23e 5G में 128GB जबकि Reno 8 Pro 5G में 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो V23e 5G में अप टू 1TB जबकि Reno 8 Pro 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी V23e 5G में 4050mAh जबकि Reno 8 Pro 5G में 4500mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
V23E5G 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 25,990 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें रीनो 8 प्रो 5G की तो वो 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 45,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Vivo V23E5G में 8 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Oppo Reno 8 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo X60 है, दूसरा OnePlus 9 Pro है, तीसरा OnePlus 9R है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Mi 11X Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।